दतिया जिले के सेवड़ा उपजेल से आजीवन कारावास की सजा होने पर बंदियों को ग्वालियर सेंटर जेल में छोड़ने आई पुलिस की गाड़ी लौटते समय पलट गई। हादसा अचानक कार के सामने आने से हुआ। पुलिस वाहन के चालक का नियंत्रण बिगड़ा और गाड़ी पलट गई। हादसे में गाड़ी में सवा 9 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, इनमें से 6 को गंभीर चोट आई है। घायलों को जया रोग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना झांसी रोड पर हुई है। ग्वालियर पुलिस ने घायल पुलिस जवानों की शिकायत अचानक सामने आए चार पहिए वाहन के चालक पर मामला दर्ज कर लिया है। रविवार को दतिया जिले में उप जेल सेवड़ा से 13 आजीवन कारावास की सजा काटने वाले बंदियों को लेकर वहां की पुलिस जेल गाड़ी मनी ट्रक से लेकर ग्वालियर आई थी। रविवार शाम को सभी बंदियों को ग्वालियर सेंट्रल जेल में छोड़ने के बाद वापस दतिया लौट रहे थे, तभी झांसी रोड थाना क्षेत्र के सिथौली के पास अचानक एक लाल कलर की कार ने ओवरटेक किया और जेल वाहन के सामने आ गई। उससे बचने के चक्कर में जेल वाहन के चालक ने गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ दिया तो गाड़ी डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। पुलिस वाहन के पलटते ही उसमें सवार पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों में 4 आरक्षक, 2 प्रधान आरक्षक और 1 ASI शामिल है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जया रोग अस्पताल में भेजा, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। पुलिस वाहन चालक ने इसकी शिकायत झांसी रोड थाने में दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने इसकी शिकायत पर अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर में हुए सड़क हादसे में दतिया पुलिस के पुलिसकर्मी कैलाश चंद्र चौबे, सुभाष परमार, संदीप सतेंद्र नगर ASI, अंबिका नंदिका, छोटे लाल प्रधान, आरक्षक प्रताप सिंह प्रधान, आरक्षक वीरेंद्र सिंह घायल हुए हैं। दतिया RI रवि कुमार शुक्लाने ने बताया कि सेवड़ा से 9 पुलिसकर्मी 13 बंदियों को लेकर ग्वालियर आए थे, जिन्हें छोड़ने के बाद वहां वापस लौट रहे थे तो सिथौली के पास एक चार पहिया वाहन ने अचानक ओवरटेक किया, जिसके कारण पुलिस का वाहन पलट गया, जिसमें 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल ASI अंबिका नंदन शर्मा ने बताया कि हम कैदियों छोड़ने आए थे, अचानक गाड़ी ने ओवरटेक किया, हमारी गाड़ी डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। हादसे में सभी पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हम लोग सेवड़ा से मुलजिम लेके ग्वालियर जेल पे छोड़ने गए थे, छोड़ के वापस आ रहे थे, दतिया को जा रहे थे, तो डिमांडर के बीच में जो खाली जगह रहती है उस तरफ से हमारी ग्वालियर तरफ से हमारी गाड़ी आ रही थी, उसने हॉर्न दिया काफ़ी, परंतु वो लाल गाड़ी फोर व्हीलर वाला एकदम वो डिमांडर के कट के अंदर से घुस गया, उसमें टक्कर गली, तो गाड़ी हमारी गुलाट खा गई, डिमांडर से गली गुलाट खा गई। उप जेल है दतिया में सेवड़ा में, वहाँ से 13 मुलजिमों को लेके, ये लगभग 8-9 लोग थे, ग्वालियर स्थानांतरण जो केंद्रीय कारागार है वहाँ स्थानांतरण पर लेके आए थे उन लोगों को। यहाँ से स्थानांतरण उपरांत वापस दतिया जा रहे थे, तो सिथौली के पास में एक कोई कार वाला बता रहे हैं कि सडनली उसने ओवरटेक किया है और ओवरटेक करके बिल्कुल गाड़ी के सामने जेलवान के सामने लगा दिया, तो उसको बचाने के चक्कर में जो जेलवान था वो पलट गया एक साइड से, तो लगभग 8-9 लोगों को चोटें आई हैं। इसमें गंभीर चोट तो नहीं है किसी के, लेकिन चोटें सभी के हैं।